हरदोई से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश एक पुल की आधारशिला रखने गए, जहां उन्होंने समुदाय विशेष को टारगेट करते हुए कहा कि आखिरी बार प्रयोग कर रहे हैं और इस पुल की आधारशिला रख रहे हैं। आपके गांव से सिर्फ 14 वोट मिले थे, अब हम पुल बनवा रहे हैं। अब यहां विकास का काम 2024 के चुनाव के बाद ही होगा, वो भी तब जब आप पार्टी को वोट देंगे। भाषण देते हुए विधायक जी भूल रहे थे कि वो एक जनप्रतिनिधि हैं और ऐसी धमकियां उन्हें शोभा नहीं देती। हद तो तब हो गई जब श्याम प्रकाश ने कहा कि बीजेपी पार्टी का नारा है सबका साथ और सबका विकास, लेकिन श्याम प्रकाश ने इस नारे को बदल दिया है। हम कहते हैं जो हमारे साथ हम उसके साथ, और विकास सिर्फ उसका जो हमारा साथ देगा। आप भी सुनिए ये बयान। है आगे लोकसभा का जो चुनाव आएगा उसमें सवेंपुर वाले कितनी वफादारी निभाते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, और ताई एक हाथ से नहीं बचती है, बहुत दिन बजे एक हाथ से। सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस श्याम प्रकाश का अब ये नारा बदलेगा, जो हमारे साथ हम उसके साथ, जो हमारे साथ नहीं हम उसके साथ किसी कीमत पर नहीं। भारतीय जनता पार्टी का नहीं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे यादव हो चाहे चमार हो चाहे पारसी हो, जो भारतीय जनता पार्टी का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। बिल्कुल दो शब्दों में साफ साफ से कहना चाहता हूँ। तो एक बार पुनः सबको इस ऐतिहासिक काम की बहुत बहुत, आसपास के सभी गाँव के लोगों को बहुत बहुत बधाई, और नहर विभाग के अधिकारियों से ये अनुरोध है कि मौके पे हम भी चेक करेंगे काम में कोई कोताही, कोई भी मानक में कोई कमी ना आने पाए, पुल इतना मजबूत बने कि आगे 200 साल तक इस पुल में कोई कमी ना आने पाए। इसी अनुरोध के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा विधायक श्याम प्रकाश ने कार्यक्रम के दौरान ये भी कहा कि नमक खाकर नमक हरामी नहीं करनी चाहिए, जिसका नमक खाना चाहिए उसका हक अदा करना चाहिए। श्याम प्रकाश ने समुदाय विशेष पर टारगेट करते हुए कहा कि अब इस गांव में विकास अगले चुनाव के बाद ही होगा, जब हम देख लेंगे कि आप लोग कितना सहयोग पार्टी का करते हैं। गौरतलब है कि विधायक श्याम प्रकाश इससे पहले भी कई मर्तबा बेतुकी बयानबाजी कर चुके हैं और अपनी पार्टी को लेकर ही उन्होंने कई बार सवाल उठाए हैं, जिसके बाद उन्हें क्षेत्रीय कार्यालय से नोटिस भी जारी किया गया था। एक मर्तबा फिर विधायक श्याम प्रकाश ने असंवैधानिक भाषा का प्रयोग करके बेतुकी बयानबाजी की है। अब ये बयान जरा दोबारा सुनिए। है आगे लोकसभा का जो चुनाव आएगा उसमें सवेंपुर वाले कितनी वफादारी निभाते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, और ताई एक हाथ से नहीं बचती है, बहुत दिन बजे एक हाथ से। सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस श्याम प्रकाश का अब ये नारा बदलेगा, जो हमारे साथ हम उसके साथ, जो हमारे साथ नहीं हम उसके साथ किसी कीमत पर नहीं। सुना आपने, इस बयान को सुन के ऐसा लगता है जैसे कोई जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि सड़क छाप गुंडा हो, जो मंच से सरेआम धमकियां दे रहा है। है आगे लोकसभा का जो चुनाव आएगा उसमें सवेंपुर वाले कितनी वफादारी निभाते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, और ताई एक हाथ से नहीं बचती है, बहुत दिन बजे एक हाथ से। सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस श्याम प्रकाश का अब ये नारा बदलेगा, जो हमारे साथ हम उसके साथ, जो हमारे साथ नहीं हम उसके साथ किसी कीमत पर नहीं। भारतीय जनता पार्टी का नहीं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे यादव हो चाहे चमार हो चाहे पारसी हो, जो भारतीय जनता पार्टी का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। बिल्कुल दो शब्दों में साफ साफ से कहना चाहता हूँ। तो एक बार पुनः सबको इस ऐतिहासिक काम की बहुत बहुत, आसपास के सभी गांव के लोगों को बहुत बहुत बधाई, और नहर विभाग के अधिकारियों से ये अनुरोध है कि मौके पे हम भी चेक करेंगे काम में कोई कोताही, कोई भी मानक में कोई कमी ना आने पाए, पुल इतना मजबूत बने कि आगे 200 साल तक इस पुल में कोई कमी ना आने पाए। इसी अनुरोध के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने मंच से साफ तौर पर कहा कि सबका विकास पर इनका कोई भरोसा नहीं है। ये नारा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, जेपी नड्डा ने, अमित शाह ने,
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने और इस विधायक ने साफ कह दिया कि मुझे इस नारे पर भरोसा नहीं है। इससे साफ होता है कि बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश का न तो पार्टी की विचारधारा पर भरोसा है, न ही योगी मोदी के काम करने के तरीके पर इन्हें भरोसा है। इन्हें भरोसा है तो बस गुंडों की तरह धमकी देने में। ये धमकी सिर्फ जनता को नहीं दी थी, बल्कि जनता के उस भरोसे को भी दी थी जो जनता ने मोदी और योगी पर किया है। ऐसे ही नेता पार्टी की छवि को क्षति पहुंचाते हैं। ये कहते हैं कि आपके गांव से महज 14 वोट हमको मिले थे। अरे साहब, अगर यही भाषा रही तो अगले चुनाव में 14 नहीं 4 वोट भी नहीं मिलेंगे आपको। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज। इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए हरदोई से आशीष सिंह की रिपोर्ट।